नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कालू माली। आप जुड़े हो मेरे इस चैनल से। आज आपको मैं बता रहा हूं बाड़मेर की सबसे बड़ी खबर। बाड़ का भीमड़ा रोड पर बड़ी तादाद में नकली नोट मिले। ग्रामीणों को मिले लावारिस हालात में ये नोट। सड़क के किनारे पड़े नोटों को देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। जानकारी के अनुसार कुछ नोट ले गए ग्रामीण सड़क किनारे लावारिस हालात में मिले 1,18,000 के नकली नोट। पुलिस ने सभी नोटों को किया अपने कब्जे में, आगे की कार्रवाई शुरू। ग्रामीण थाना अधिकारी प्रदीप डांगा ने इस मामले की दी जांच। अब क्या कहते हैं बाड़मेर के DYSP महावीर प्रसाद शर्मा, सुने पूरी बात। तो जुड़े रहिए मेरे इस चैनल से, मिलती रहेगी आपको पल पल की अपडेट। दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। पुलिस स्टेशन ग्रामीण का एक मामला है। कंट्रोल रूम को हमारे को सूचना मिली थी। अपने कलेक्ट्रेट में एक कर्मचारी है, मदन जी, अकाउंट ऑफिसर है। उनके पिताजी है चरणा राम जी, जो बाड़का रहते हैं। उन्होंने उनको फ़ोन करके बताया कि इस तरह से बाड़का गांव के रोड पर बच्चों को कोई नकली नोट टाइप मिले। तो सूचना मिलने पर हमारे जो ग्रामीण थाने की पुलिस है वो मौके पर गई तो देखा उसमें 2,000 के, 500 के और 200 के जो नकली नोट है वो मिले थे। कुल रकम है वो 1,18,000 रुपये है। हमने इसके संबंध में अभियोग है वो दर्ज कर रहे हैं। आगे वो तफ्तीश करेंगे ये पैसे कहाँ से है, क्या लिंक है, क्या चैन है, उस पूरी चैन को खंगालेंगे। प्रथम दृष्टया कोई ऐसी बात सामने आई है कहीं से पैसे डाले हो गया तो कोई नकली खेप, कोई पैसे की जाली में सब ऐसा भी कोई क्लू नहीं मिले। बाकी ये जांच का विषय है ये पैसे आए कहाँ से, नकली फोटोकॉपी टाइप के हैं या नहीं। ये जब हमने देखे इनको तो ये जो ओरिजिनल जो नोट होते हैं उनकी फोटोकॉपी की हुई है, बिल्कुल बारीक पेपर पर। बच्चे दोपहर के 4 बजे की बात है, बच्चों को सड़क के किनारे खेलते हुए पैसे मिले थे। बाद में जो ये कलेक्ट्रेट में जो अकाउंट ऑफिसर है, कर्मचारी हैं, इनके फादर ने इनको फ़ोन किया कैसे इस तरह की बात मिली। ऐसी इस तरह की कोई सूचना।